वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन अल्फा. कॉमन आयन, व्हाट डू यू थिंक? कॉमन आयन मतलब क्या होगा? कॉमन आयन, यहां पे दो वर्ड है. देखिए, आयन तो समझ में आया, आयन आपके या तो कैटायन होते हैं या फिर एनायन होते हैं, राइट? कॉमन आयन का मतलब क्या है? तो यहां पे ये देखिए, लेट्स कॉमन आयन का अल्फा पे असर देखने के लिए हम लोग एक स्टेप पीछे चलते हैं एंड लेट्स जस्ट रिवाइज. हम लोग ने ली चैटली प्रिंसिपल में क्या किए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे पास आयनाइजेशन ऐसा है, देखो, सपोज ए बी आयनाइजेस एंड इट फॉर्म्स इन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए प्लस एंड बी माइनस. आपके इसमें प्रोडक्ट क्या है इस इक्विलिब्रियम में? ए प्लस प्लस बी माइनस मेरे आयन से. और मेरे रिएक्टेंट क्या है? ए बी ए बी, अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट? यहां तक समझे? तो ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं ए प्लस या बी माइनस को इंक्रीज करूं किसी तरीके से डाला, तो मेरा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड रिएक्शन. यानी आपके डिसोशिएटेड ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अनडिसोशिएटेड ज्यादा बढ़ जाएंगे, अनडिसोशिएटेड. ये ध्यान रखिए. इज दिस क्लियर? मैं दोबारा बोलूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ये इक्विलिब्रियम पे आयोनाइज होके ए प्लस और बी माइनस बनाता है, और ये अभी इक्विलिब्रियम पे है. ली चैटले प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एंड इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि अभी मेरे इसमें प्रोडक्ट में क्या है, आयन से अनडिसोशिएटेड है, आयंस आयंस. अगर मैं किसी तरीके से आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं, तो रिएक्शन किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड. बैकवर्ड. यानी आपके डिसोसिएशन बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कम. डिसोसिएशन कम हो जाएंगे. वेरी गुड. इज दिस क्लियर? ये आया समझ में? यस सर. ओके. तो अभी मैं आपको बताता हूं, कल मैं आपको बता चुका हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था? अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू हुज वन. अल्फा व्हाट वैल्यू इज इक्वल टू वन? इज वैल्यू हाँ, ये उसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. नहीं नहीं कंप्लीट नहीं ऑलमोस्ट कंप्लीटली इट डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली. वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है. और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था? डिसोशिएट बहुत कम होता है, राइट? नाउ सी दिस, सपोज आई हैव अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी, अब ये डिसोशिएट होगा? इलेक्ट्रोलाइट तो है, वीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोशिएट होगा कि नहीं होगा? वीक है, विल विल डिसोशिएट. लेकिन कौन सा ज्यादा होगा, अनडिसोशिएटेड ज्यादा होगा कि डिसोशिएटेड ज्यादा होगा? अनडिसोसिएटेड. ध्यान रखो, आपके पहले जब आप सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है आप पानी में डालते हो, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दिस एंड वेरी लिटिल ऑफ दिस. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर. यस अगर सर. उस सॉल्यूशन में आई पुट अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन शर्त क्या है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कम से कम एक आयन कॉमन होना चाहिए. आप कोई इलेक्ट्रोलाइट बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता सकते हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करता हो? कंडीशन क्या है जो आप बाद में जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे NaCl, हैं? जी नहीं, नहीं नहीं NaCl, नहीं, NaCl3. मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने तुमको नाम बताया नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने ए बी बताया. तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ऐसे बनाइए
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कम से कम एक आयन कॉमन में हो, तो क्या बोलेंगे बताइए? एसी एसी, स्ट्रॉन्ग। एसी। अब देखो एसी में मैं आई विल पुट ऑलमोस्ट लाइक दिस, राइट, मैं इक्विलिब्रियम नहीं डालूंगा, यानी क्या मतलब क्या हुआ? ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, लगभग सब के सब डिसोशिएट हो रहे हैं। एसी से क्या हो रहा है, आपके क्या बन रहा है? ए प्लस सी ए प्लस और प्लस सी सी माइनस माइनस। सी सी माइनस माइनस। लेकिन मेरे पास, मैं दूसरा ये भी डाल सकता हूँ, लेट्स से डीबी भी डाल सकता हूँ। अगर डीबी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाएगा? डी प्लस बी माइनस। डी प्लस और बी माइनस, समझे? तो देखिए, आपका इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम ये था, उसमें अगर आपने ये डाला, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो सबके सब डिसोशिएट हो जाएंगे। सब डिसोशिएट हो यानी किसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगे? ए प्लस एंड सी माइनस। ए प्लस और सी माइनस। सी माइनस का तो इस इक्विलिब्रियम पे कुछ असर होगा नहीं, क्योंकि सी माइनस यहां पे है नहीं, लेकिन आपके ए प्लस के बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा? बैकवर्ड। और वही कहानी जब मैं डीबी डालूं तभी भी होगा। हाँ ना? यस सर। ओके, अभी तक के जो कुछ हुए हैं, कैन यू पुट दिस इन वन सेंटेंस और टू सेंटेंसेस? कैन समबडी डू इट फॉर मी? या समझ में आया कंसेप्ट? मैं बोलूंगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू, बट मैं चाहता। हाँ बोलिए। इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, और कोई ट्राई? ये कौन था? कहकशां। कहकशा। दूसरा और कोई ट्राई करना चाहते हैं? जिब्रान ट्राई करेगा बेटा? जिब्रान, यस होमवर्क सर। के द्वारा। हाँ समझे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। आप, मैंने जो बताया उसको आप अपने भाषा में बोलेंगे, अपने शब्दों में। यस सर, आई ट्राई। हाँ ट्राई करो ना, ट्राई में ही है। बोलो बेटा, इतना दम, इतना लंबा ट्राई मत करो। जल्दी करो। When we add strong electrolyte in the solution of weak electrolyte, the reaction goes in backward direction. ओके, अब मैं दोबारा इसी को बोलता हूं, और अभी तक मैंने जो कहा है आपको मतलब वही समझ में आया क्या? देखिए, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, एंड वैसे भी दिस इज रिकॉर्डेड सो दिस विल बी देयर ऑन यूट्यूब, आपको जब तक नहीं समझ में आया बार बार सुनते रहना। अगर मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, और उस पे, उस सॉल्यूशन पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, शर्त यह है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला उसका वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कम से कम एक आयन कॉमन है, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डालने की वजह से मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कम हो जाएंगे। मैंने अभी तक जो कहा और मैंने अभी जो दो सेंटेंस बताया, आपको एक ही मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। आप दो, ये सर कौन था? ये सर सानिया। सानिया। सानिया, आप दोबारा दोहराएंगे मैंने अभी जो आपको कहा था? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डालेंगे, बेटा, रिएक्शन में नहीं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और उनका एक आयन कॉमन होगा, तो उस जो रिएक्टेंट है उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डालने की वजह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? कम से कम जिसका, कम
कम से कम जिसका एक आयन कॉमन, एक एक आयन आयन कॉमन। कॉमन हो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, कम से कम एक आयन सेम होना चाहिए। वो केटाइन हो सकता है, वो एनायन हो सकता है, उसे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन कम से कम एक आयन कॉमन हो सकते हैं। समझ में आया अभी? यस सर, यस सर। ओके, कौन दोहराएगा दोबारा? यस, आई नीड वन मोर वॉलेंटियर हु विल जस्ट रिपीट व्हाट वी जस्ट सेड। जल्दी, अगर आपको If we समझ। add a strong electrolyte in a weak electrolyte solution which is in equilibrium, हाँ, तो बेटा ऑर्डर को सही करो ना। आपके पास पहले क्या है, उसमें आपने क्या ऐड किया, उसके हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से तुम्हारा जो सेंटेंस है सही है। साइंस के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आपके पास क्या है उसको पहले बोलो, आप जो बाद में कर रहे हो उसको बाद में बोलो। हाँ बोलिए। in a solution of weak electrolyte which is an equilibrium, if we add a strong electrolyte and one ion is common in both, then the dissociation value of weak electrolyte decreases. वेरी गुड। ये कौन थी? कहकशा कहकशा। वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। लिखिए, अभी मैं अभी आपको असली जो डेफिनेशन है वो देता हूं, और आप जो समझे और जो डेफिनेशन मैंने दिया है वो मेल हो रहा है कि नहीं, वो आप लोग देखिए। कॉमन आयन इफेक्ट लिखिए। तैयार? कॉमन आयन इफेक्ट बोलू। यस सर, यस सर। द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड सप्रेस्ड सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम है? दबाओ। दबाना। हाँ, वो जो हम लोग हिस्ट्री वगैरह में, हिंदी मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, जुल्म से जो दबे हुए लोग हैं उनको सप्रेस्ड पीपल बोलते हैं। लेकिन खैर, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सप्रेस हो रहा है? एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट, द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैज वन आयन इन कॉमन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट। हो गया लिख के? सर रिपीटेड वंस। किसको हुआ है? कोई है जिसको हुआ है? क्योंकि मैं दोबारा दोहराऊंगा तो सेम नहीं आएगा। किसी का भी नहीं हुआ है? ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड अपॉन द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैज वन आयन इन कॉमन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट। शायद यही बोला था। इसके बाद लिखना नहीं हुआ तो तुम लोग बाद में सुन के लिख लेना, ये यूट्यूब पे रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर।
आपको लिखना नहीं हुआ तो आप लोग बाद में सुन के दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है? तो अभी आप मुझे सर बताइए। हाँ बोलो बेटा। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सर डिसोसिएशन कम इसलिए होगा क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन होगा इसलिए। हाँ अब ये देखो, अब जब हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इसका मतलब डिसोसिएशन पहले के मुकाबले में ज्यादा हुआ कि कम हो गया? कम हो गया सर। कम हो गया। जब ये नहीं था, देखिए अभी मैं इसको जस्ट आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल, देखिए अभी आपके पास लेट्स से पहले ए बी था, और ये ए बी आपके पास 1,000 था, 1,000 नंबर है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ए प्लस बी माइनस 1,000 में से कितने डिसोशिएट होंगे? लगभग 5, 40%। 5, नहीं, इट हैज टू बी लेस देन 5% बेटा। 5% यानी कितना हो गया? 50। लेट्स से 30 डिसोशिएट हुआ, 30 ए प्लस, 30 बी माइनस, और ए बी कितना रहेगा? 40 ए बी, ए कैसे 40 रहेगा? अनडिसोशिएटेड शुरू में कितने लिए थे तुमने? 100 100 दिख रहे तेरे को ये? 1000, 1000 1000 में से कितना डिसोशिएट हो गया? 60 नहीं राजा, 30। जब एक ए बी डिसोशिएट होता है, कितना ए प्लस बनता है? वन एक ए प्लस एक ए, ए, वन एक बी ए प्लस प्लस बनेगा ना, और कितना बी माइनस बनेगा? वन एक। ये देखो, थिंक ऑफ इट समथिंग लाइक दिस। ए बी जो है ऐसा है, देखो एक ब्लू बॉल है, लेट्स से एक ब्लैक बॉल है। जब ये जुड़ा रहा तो ये क्या हो गया? ए बी हो गया। अब ये टूटेंगे, कितने ब्लू बनेंगे इसे? हाँ, वन ब्लू एंड वन ब्लैक। तो अगर तुम्हारे पास 30 ए प्लस और 30 बी माइनस बन रहे, इसका मतलब कितना ए बी टूटा? 30 30। 30 30 हाँ, तो अभी बचेंगे कितने? 970 970। ये है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के गैर मौजूदगी मौजूदगी में। इज दिस क्लियर? सर। दिस इक्विलिब्रियम ऑफ 970 अनडिसोशिएटेड एंड 30 डिसोशिएटेड इज इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इज दिस क्लियर? आइए, सॉरी, यहां तक ठीक है? यस अभी आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट्स से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूं आप बताओ? एसी एसी लेते हैं। एसी, सपोज आपने एसी लिया, राइट? एसी से क्या क्या बना आपका? ए प्लस ए एंड प्लस सी ए माइनस प्लस और सी सी माइनस सी माइनस। अभी माइनस देखिए, इसके डालने की वजह से आपके ए प्लस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए, तो रिएक्शन हाँ किधर जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। अब ये कितना नंबर हो जाएगा? 970 से कम होगा, 970 से ज्यादा होगा? ज्यादा ग्रेटर होगा देन 970। सपोज ये 980 हो गया, ठीक है? अब ये नंबर जाने दो, ये कितना होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपके, आप देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा था? 30 डिसोसिएट हो रहे थे, राइट? लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने डिसोसिएट हो रहे हैं? 980 नहीं, नहीं बच रहा है। 980 कितना डिसोशिएट हो रहे हैं मैंने जो पूछा है? 20 20 20।20। तो मैंने अभी आपको क्या कहा? स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, जिसके एक आयन कॉमन है, उसके डालने की वजह से उसका डिसोसिएशन क्या हो जाता है? कम कम हो होता है। जाता कम हो जाता है। कम हो रहा हो, कम होता हुआ नहीं दिख रहा तुमको? ठीक है सर। समझ में आया? सर ओके, इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी? दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। हम लोग जब बफर में बात करेंगे, एवरीथिंग इन बफर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दिस कॉमन आयन इफेक्ट। इज दिस क्लियर? इज देयर एनीबडी जिसको नहीं समझ में आया हो, प्लीज आप लोग अभी पूछ लीजिए। अभी लिंक बना हुआ है, तो हम लोग सब बार बार, बाद में दोबारा बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई है जो सर वन ऑफलाइन लाउड कर? क्लियर हाँ बोलो बेटा। सर। बैकवर्ड रिएक्शन क्यों होता है इसके?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर। इसका जवाब कौन देगा? कोई तो होना चाहिए अभी तक जिसको याद हो पिछला क्लास। सर इक्विलिब्रियम में जो चेंज आया है उसको मिनिमाइज करने के लिए। हाँ, ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाता है? बैकवर्ड। प्रोडक्ट बैकवर्ड। बैकवर्ड। जवाब मिल गया आपको बेटा? यस सर। ओके ओके, तो अभी आप बताइए, मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट बता दिया, लेकिन कॉमन आयन का अल्फा पे क्या असर होगा आप बताओ? कॉमन आयन की वजह से अल्फा कम होगा कि ज्यादा होगा? सर लेस होगा। कम होगा। वेरी गुड, कम से कम इसका मतलब है तुमको समझ में आया। तो अभी आप आपकी किताब पढ़ते हैं। कहाँ गया? कॉमन आयन, कॉमन आयन, कॉमन आयन, कॉमन आयन। हाँ कॉमन आयन। ओके कौन पढ़ेगा? चलो एक वॉलेंटियर निकलो, अभी इतना पढ़ो और इसका मतलब समझाइए। चलो एक बच्चा पढ़ो। The presence of common ion tend to reduce the degree of ionization, also known as common ion effect. बस बस स्टॉप 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 स्टॉप। समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, ये एग्जाम्पल जाने दो, एग्जाम्पल हम लोग बाद में बहुत सारा करने वाले हैं। इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी? आई विल गो अहेड। यस सर। यस सर। ओके तो मैं एक्चुअली आज का रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म करता हूँ, बिकॉज़